हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की दुनिया में आपका स्वागत है। आजकल मूली का सीजन है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं मूली का पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूली का पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल में गेहूं का आटा लिया है और नमक लिया है। अब हम एक परात लेंगे, उसमें ये गेहूं का आटा डालेंगे और ये नमक डालेंगे। आप देख सकते हैं। अब हम इसे पानी मिलाकर लगाएंगे। हमें ये नॉर्मल रोटी के आटे जैसा आटा लगाना है, जैसा हम रोटी का आटा लगाते हैं, बस उसी तरह से हम ये पराठे के लिए भी आटा लगाएंगे। हमें इसमें मोयन वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पराठे का आटा लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे सॉफ्ट बना लेंगे। ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम मूली की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। मूली का पराठा बनाने के लिए हमने यहां पर 2 बड़े साइज की मूली ली है, आप देख सकते हैं। 8 से 10 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आप कितना तीखा पसंद करते हैं उसके अनुसार। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, लहसुन लिया है, 1 चम्मच जीरा, आधे नींबू का रस और 1 कटोरी बेसन लिया है। अब मूली का पराठा बनाने के लिए हम मूली की स्टफिंग तैयार करेंगे। मूली की स्टफिंग तैयार करने के लिए अब हम इन मूलियों को ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने अपनी मूली ग्रेट कर ली है। अब हम ये जीरा, हरी मिर्च और लहसुन इसकी पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब हम उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। स्टफिंग के लिए हमें ज्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ 1 चम्मच ही तेल डालेंगे। अब हम उसमें ये मिर्ची, जीरा और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और ये अपनी ग्रेट की हुई मूली डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे।
इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये आधे नींबू का रस डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे। और इसे ऐसे ही 2 मिनट तक पकने देंगे। आप देख सकते हैं हमारी मूली अब अच्छी तरह से ग्रिल हो चुकी है। अब हम इसमें ये बेसन डालेंगे। और हरा धनिया डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी मूली की स्टफिंग कितनी अच्छी तरह से बनी है। हमें इसे ऐसे ही बनाना है। आप इस स्टफिंग में ज्यादा बेसन मत डालिए, क्योंकि ज्यादा बेसन डालने से मूली की कोई टेस्ट ही नहीं आएगी। हमें इसमें उतना ही बेसन चाहिए जितने में कि मूली की स्टफिंग बन सके। आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग कितनी अच्छी तरह से बनी है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी स्टफिंग कितनी अच्छी तरह से बनी है। ये देखिए, अब हम गैस बंद करेंगे। ठंडा होने के बाद यह स्टफिंग और भी अच्छी तरह से हो जाएगी। फिर हम इसके पराठे बेलेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी मूली की स्टफिंग अब ठंडी हो चुकी है और कितनी अच्छी तरह गाढ़ी भी हुई है। अब हम पराठे बनाएंगे। अब हम ये स्टफिंग ऐसे, अब हम इसका पराठा बेलेंगे। अब हम इसे सेक लेंगे।
हम इस पर तेल लगाएंगे। इसी तरह से हम अपने मूली के सभी पराठे बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। हम गर्मा गर्म मूली के पराठों को दही और अचार के साथ सर्व करेंगे। कैसी लगी आपको मेरी ये मूली के पराठे की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।